पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम ने भी परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। किम ने इस बार दो ऐसी मिसाइलों का परीक्षण किया जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है और किम अमेरिका को ही चेतावनी देने के लिए लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। पिछले 14 दिनों में किम ने 7 बिलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो मिसाइल दागी उसने किम के दुश्मनों को चौंकाया नहीं बल्कि खौफ से भर दिया। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने इस बार लंबी दूरी तक वार करने वाली 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। इन मिसाइलों में परमाणु हथियार भी फिट किए जा सकते हैं और ऐसी मिसाइलों के परीक्षण के बाद ही आशंका जताई जाने लगी कि किम भी परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए और वो भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की राह पकड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन की ही तरह वो भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। इसीलिए उन्होंने खुलकर ये चेतावनी दी थी कि उनकी हर एक मिसाइल का परीक्षण अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है और अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। वो जानता है कि किम कभी भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं और प्रशांत महासागर में मौजूद उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे गुआम को निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सेनाएं उत्तर कोरिया पर नजर बनाए रखने के लिए उसके करीब लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। इसके लिए वो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करती हैं। इस महीने की शुरुआत में ही तीनों देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर किम को अपने तेवर दिखाए थे, जबकि एक रोज पहले ही अमेरिकी सेना ने जापान की फौज के साथ भी बड़ी मिलिट्री ड्रिल की थी। और माना जा रहा है कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के दुश्मनों के साथ इस तरह खड़ा देखकर किम बुरी तरह तिलमिला उठे। इसी वजह से इस बार उन्होंने अमेरिका को परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का दम दिखाया और ऐसी एक नहीं बल्कि 2 क्रूज मिसाइलें दाग दी। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने जिन मिसाइलों का परीक्षण किया उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और अपने टारगेट को सटीक निशाना लगाकर तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों का परीक्षण करके अब किम जोंग उन ने अमेरिका को एक बार फिर से खुली धमकी दे दी है, लेकिन इस बार ये चेतावनी किसी मामूली हमले की नहीं है बल्कि किम ने दिखा दिया कि वो परमाणु वार करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। और जानकारों के मुताबिक उनकी इस धमकी को हल्के में लेना अमेरिका और उसके साथियों को भारी पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे की सेनाओं को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूस ने जहां यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मारने की बात कही तो यूक्रेन ने उसके कई ड्रोन ढेर करने का दावा किया और सबूत के तौर पर उसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसका एक एंट्री ड्रोन सिस्टम जंगल के बीच गरजता दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके निशाने पर रूस का वो ड्रोन था जो उसके सैन्य ठिकानों की टोह लेने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता जेलेंस्की की फौज ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इससे उलट रूस के दावे भी कम नहीं। रूस के रक्षा विभाग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई। रूस के मुताबिक यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर उसके लड़ाकू विमानों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौत का तांडव मच गया, जिसके बाद खार्कीव, लुहांस्क और कीव के आसपास हुए हमलों में न सिर्फ सैनिकों की जान गई बल्कि पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हथियारों की बड़ी खेप भी नष्ट हो गई।